मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब में पार्ट 3 म्याऊ म्याऊ का वीडियो नंबर 2 करेंगे, ठीक है? सही बच्चे अपनी किताबें खोलो। तो बच्चों, पेज नंबर 19 निकालिए। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, ये कहानी का नाम है, ठीक है? तो बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। मतलब मौसेरे भाई मतलब मौसा का बेटा, तो उनके साथ क्या करती थी, एक जंगल के बड़े महल में रहती थी, ठीक है? लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी, ठीक है? तो शेर क्या कहता है, देखो बहन, बिल्ली कहती है, ओह भाई, आई भैया, आई आ गई। मतलब शेर ने उसको बुलाया तो बिल्ली ने ऐसे कहा। फिर उसके बाद क्या किया शेर ने, शेर ने बोला कि मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। तो बिल्ली सोचती है कि बस अभी बिछाती हूँ भैया, कहती है शेर को। फिर क्या होता है कि बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। केले के पत्ते पे वो खाना खाता है ना, तो उसने केले का पत्ता बिछा दिया। अब शेर कहता है, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। अब क्या करना, शेर ने भेड़िये का शिकार किया था, अब वो कह रहा है कि खाने में उसको भेड़िया दे दो। शेर ने, शेर के सामने वो लेकर आती है। फिर कहता है शेर, आहा मजा आ गया। अब चलो अगले पेज पे बच्चों, पेज नंबर 20 पे क्या है कि शेर कहता है, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। तो बिल्ली कहती है, हाँ भैया। फिर बिल्ली सोचती है कि लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। फिर क्या होता है कि बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, ठीक है? लेकिन ठीक तभी उसी टाइम क्या होता है कि शेर कहता है, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। तो बिल्ली कहती है, भैया घर में आग तो है ही नहीं। तो फिर शेर कहता है, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फ्लांगती हुई गांव में पहुंची, ठीक है? तो वहां पे कुछ बच्चे होते हैं, उनमें से एक लड़की देखती है, कहती है, वाह देखो। फिर वो लड़की उस बिल्ली के पास जाती, कहती है, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। फिर लड़की कहती, कितनी मुलायम और रेशमी है बिल्ली को छूकर। फिर क्या होता है बच्चों कि जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही, मतलब बच्चों से प्यार कर रहे थे। फिर बिल्ली सोचती है कि मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं मिला था, किसी से भी इतना प्यार उसे नहीं मिला था। फिर बिल्ली ये सब सोचने लगी, तभी क्या होता है कि अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। कैसे उठा बच्चों, क्योंकि शेर क्या कर रहा था, दहाड़ रहा था, गुर्र करके दहाड़, यह शेर की दहाड़ थी। फिर बिल्ली कहती है, हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। फिर बिल्ली ने एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फ्लांगती हुई भागी, ठीक है बच्चों? अब चलो अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 22। फिर क्या होता है कि अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई, मतलब फिर से शेर दहाड़ा। तो क्या हुआ कि और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल होती थी, ठीक है? बिल्ली क्या कर रही थी, डर के मारे कांप रही थी। वो इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी, देखो बिल्ली वापस आ गई थी। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है, ये उस लड़की ने कहा। फिर क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि हाँ हमारे पास रहो नन्नी मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना? फिर बिल्ली कहती है, नहीं कभी भी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा काम देती हूँ करने के लिए, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आप लोग को क्या काम करना है, ये आपकी किताब में ही है।
नोक, नोक पे क्या करना है आपको, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी, नाक की जो नोक होती है ना उस पे चूटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो बच्चों जिस जिस चीजों की नोक होती है उसको आपको नाम लिखना है और चित्र भी बनाने, जैसे पेंसिल की नोक होती है ना, तो उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजों की नोक होती है, उनको लिखना है और चित्र बनाना है। और अगला काम क्या है कि चोटी, चोटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अगर किसी को हम चोटी काटते हैं तो कैसे काटते हैं, उंगली और अंगूठे पे मदद, अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं वो आपको यहाँ लिखने, कोई भी तीन काम लिखने, जैसे चुटकी बजाना हो गया, किसी चीज को जैसे आप चुटकी में उठाते हो कोई चीज, जैसे चुटकी में आप वो उठाते हो ना तिलक उठाते हो भगवान जी का वो लगाते हो, तो सारा काम जो चुटकी से करते हो जो एक उंगली और अंगूठे की मदद से करते हो वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये काम आपको किताब में करना है, साफ सुथरा काम करना है। ठीक है।